हर लड़का को खूबसूरत ही लड़की चाहिए भाई, सिर्फ खूबसूरती ना देखो। वही मैंने कहा ना, चार बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कोई हुस्न व जमाल को देखता, खूबसूरती को देखता। तो सिर्फ खूबसूरती पे ना जाओ, सीरत भी देखो ना, सीरत भी देखो। एक लड़का ऐसी लड़की को छांटता था, नहीं करूं, फोटो दिखाता था यार, बोले यार नाक लंबा छे, नहीं करूं हटा। बेटा बोले कर आंख टेढ़ा छे, नहीं करूं हटा। यार बोले चलो हो नहीं पां यार लगे जा हटा। यार बोले नहीं कारो छे, नहीं करूं हटा। खाली छांटता था, किसी को पसंद नहीं करता था। छांटते छांटते इसकी उम्र 40 साल हो गई, ब्याह नहीं हुआ। इसका बोह नहीं बोला, जीजाजी बोला अगर तोर ब्याह नहीं है तो। बोले क्या? बोले ती बूढ़ा है गेलो, 40 साल उम्र है गल को, और कोई लड़की तो पसंद नहीं करतो। बोले नहीं नहीं भैया, मोर से भूल है ये, आ तुम्हारा देख जे देखो नहीं मी कर लूँ, और लड़की में नहीं देखू। इसका बोह ने बोला ठीक है दिखाते हैं हम तुम। ये काली लड़की से इसकी बात करा दिया, बात चल गई, बारात गई, और वो निकाह करके बीवी को ले आया। बीवी को नहीं देखा था लड़का, रात में बीवी के कमरे में गया, वो घूंघर उठा के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कोई बीमारी है का इसको भाई, तो पानी का गिलास था वहीं पर उठा के छीटा मारी कि क्या बेहोश हो लती, मी तोर से कुछ पूछवा चाहिए ना, ती बेहोश है गेलो, आंख खोल आंख खोल। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी पूछ नहीं तो फिर मैं बेहोश है जाऊं। तो लड़की बोली कि हम यहाँ नई नई आए हैं, आप हमको बता दीजिए किससे पर्दा करना है किससे पर्दा नहीं करना है। तो वो लड़का बोला कि देखो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना, फिर भी होश हो गया। हाँ मेरे नौजवानों, हो किसी की बेटी को जब बीवी बनाओ उसको इज्जत दो, बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है, और कुर्बान जाओ बीवी अगर रूठ जाए तो उसे मनाना ये भी नबी की सुन्नत है। देखो बीवी का रूठना अम्मा आयशा की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा भी कभी कभी रूठ जाया करती थी, तो अल्लाह के रसूल उसे मनाया करते थे। आटा लेकर बैठी अम्मा आयशा गोंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए, उम्र कम थी, छोटी उम्र थी, आटा लेकर बैठी ना तो रो रही है, तो अल्लाह के रसूल दाखिल हुए, आयशा क्या बात है, रो क्यों रही है, क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इसमें रोने की क्या बात है, लाओ आटा मैं गूंद कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। नौजवानों, बीवी को लुकमा उठाकर खिलाना ये भी नबी की सुन्नत है, इसमें भी सवाब है। यहाँ तो आलम यह है, अगर शोहर अगर बीवी को खाना खिलाए तो उसकी सास देख लेगी, नहीं बोलेगी लगो मोर बेटा कुछ दिमागे घुमा दी है, यहाँ कब्जा कर ली है। कुयाकान कहिए चाबी ये ताबीज निहाइए बधुए, यहाँ मोर बेटा कब्जा कर लिए, मोर बेटा खुद हाथ अपना हाथ से बहू खिला। नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जो एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे नौजवानों, तुम्हें ये शेर सुना रहा था, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत माली शान महल बनाया। मेरे भाई, ये बेटा ये बेटी ये बीवी ये भाई ये रिश्तेदार ये सब यहीं साथ छोड़ जाएंगे, कब्र में तो अकेले जाना है, कब्र में तो अकेले जाना है, अपने आमाल का हिसाब तो अकेले ना देना है। तो क्यों ना रहती दुनिया में, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है ये। अब यहां तैयारी नहीं करोगे तो कब मरने की बात करोगे?
भाई मरने के बाद होगा? भाई बोलो भाई मरने के बाद होगा? यही ना करना है, आखिरत की तैयारी यही करनी है, कब्र की तैयारी यही करनी है, हशर के मैदान की तैयारी यही करनी है, जन्नत में जाने की तैयारी यही करनी है। मरने के बाद फिर ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना हज है, कुछ है ही नहीं। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो दो गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। ए बेटा, ए बाबू, ए इसको बेटा, मिलेगी तो दो गज जमी ही मिलेगी। आज अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, तो जन्नत में घर बनाना लो, घर में जन्नत में बना लो, ऑफर है अल्लाह की तरफ से, ऑफर है मेरे बंदो, दुनिया में जन्नत में घर बना लो। तुम दुनिया में मस्जिद मिट्टी के ईंटों से बनाओगे, हम तुम्हारा घर जन्नत में सोने के ईंटों से बनाएंगे। मस्जिद में आप चंदा दोगे, ये मस्जिद कौन बनाता है? लेबर बनाता, मिस्त्री बनाता है, मजदूर बनाता है मस्जिद। लेकिन जानते हो तुम्हारा घर कौन बनाएगा? अल्लाह किससे बनाएगा? फरिश्तों से, मलाइका से? नहीं, मलाइका हट जाओ, फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। मेरे भाई मुझे 5 आदमी चाहिए समझ में के अंदर, मैं उसके लिए 10 दुआ करेंगे, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कोटा दुआ करवो भाई, कोटा दुआ करवो, बोलू ना, 10 दुआ करवो, एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे मकबूल होबे। आमी कोछी ना, अल्लाह 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 कुरान कोछे, قال ربكم ادعوني استجب لكم, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझसे दुआ करो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई पहला अल्लाह का सखी, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा जन्नत में घर बना देगा। है कोई जमींदार, कोई मास्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा अपने माँ बाप के नाम पर, इस सालों सवाब की नियत से। अगर अपने माँ बाप के नाम पर से करोगे, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया आपसे जन्नत में महल देने का, अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा, महल के अंदर में दाखिल कर देगा, घर के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला सखी, इंशाअल्लाह उसके लिए हम 10 दुआ करेंगे, अपने माँ बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। है कोई पहला नौजवान ऐसा इंशाअल्लाह जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला, 5 आदमी इस मजमे में तैयार हो इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, 10 दुआ करूंगा। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, खाली तुम तैयार हो, यहां लेने के लिए तैयार है। है कोई पहला नौजवान है? एमएलए अंजार नईमी साहब की तरफ से 5 है। हे नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। देखिए हमारे इज्जत माफ जनाब एमएलए अंजार नईमी साहब, दामत बरकात हो, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालदेन की साल सबाब की नियत से सबसे पहले फहरिस्त में हमारे एमएलए साहब का नाम आया। मैं तो यही दुआ करूंगा, अल्लाह आज हमारे अंजार नईमी साहब एमएलए हैं, या अल्लाह कल को इसे एमपी बना दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। किसान बेकरी वाले 50 करोड़। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, बहुत बड़ा ताऊन आया, बहुत बड़ा ताऊन आया, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, किसान बेकरी किशनगंज, किसान बेकरी किशनगंज, एमएलए साहेब, माशाल्लाह किसान बेकरी किशनगंज, उन्होंने 50,000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह अल्लाह इस 50,000 के दान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारे एमएलए साहब के इस ताउन को कबूल फरमा ले, अल्लाह इन दोनों शेर की
इस दान को, इस सखावत को कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मेरे भाई कतो जन होलो भाई?